ये भाई विजय सिंह की हत्या नहीं हुई है, ये पूरे बिहार के जनमानस की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, जनतंत्र की हत्या हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विपक्ष के नेता विजय सिन्हा समेत बीजेपी के जितने भी विधायक हैं आज विधानसभा में काला पट्टी बांध करके हाथों पर पहुंचे हैं। लोकतंत्र की हत्या किया है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार हत्यारा है। देखिए तमाम बीजेपी के पूर्व मंत्री जो है शाहनवाज हुसैन है, जिवेश मिश्रा है और नितिन नवीन, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। किसानों को मारा गया है, टीचर को मारा गया है और बेरहमी से विधायक लोग के पिटा गया है, सांसद लोग के पिटा गया। ये सरकार हत्यारा है, ये सरकार हत्यारा की सरकार है, सिर्फ हत्या करने पर लगा हुआ है। देखिए बिहार विधानसभा से हम तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विपक्ष के नेता विजय सिन्हा समेत बीजेपी के जितने भी विधायक हैं आज विधानसभा में काला पट्टी बांध करके हाथों पर पहुंचे हैं। और कल जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, नेताओं को पीटा गया, जिसमें एक की भगदड़ में मौत हो गई, उसके बाद से बीजेपी के लोग आज विधानसभा में इस चीज़ का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कि बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पर हाथों पर काला पट्टा बांध करके पहुंच गए हैं और कल की घटना का जोरदार विरोध विधानसभा के अंदर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं ये तमाम विधायक हाथों पर काला पट्टा बांध कर, काला गमछा डाल करके पहुंचे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। देखिए मैडम काला काला कपड़ा पहन के हम लोग के साथ है, जितना MLA है सबको साथ पिटाई किया गया है, किसानों को मारा गया है, टीचर को मारा गया है और बेरहमी से विधायक लोग के पिटा गया है, सांसद लोग के पिटा गया। ये सरकार हत्यारा है, ये सरकार हत्यारा की सरकार है, सिर्फ हत्या करने पर लगा हुआ है। तमाम जो पूर्व मंत्री है, विधायक है, ये विधानसभा में आज काला पट्टा बांध करके पहुंच गए हैं। कल जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर पुलिस की डंडा चली, उस घटनाक्रम के विरोध में आज तमाम बीजेपी के विधायक विधान मंडल के अंदर में एक मार्च कर रहे हैं। इस मार्च में देखिए कि जितने भी बीजेपी के लोग हैं उनके हाथों पर काला पट्टा है, गले में काला पट्टा ये लोग बांधे हुए हैं और इस घटना का विरोध कर रहे हैं। विधायक, कई विधायक यहाँ पर मौजूद है। सर क्या कहिएगा कल जिस तरीके से घटना हुआ? क्या कहना है इसमें, आप सब लोग जान रहे हैं किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है। ये भाई विजय सिंह की हत्या नहीं हुई है, ये पूरे बिहार के जनमानस की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, जनतंत्र की हत्या हुई है। इस पे क्या कहना है, आप सब देख ही रहे हैं। देखिए तमाम बीजेपी के पूर्व मंत्री जो है शाहनवाज हुसैन है, जिवेश मिश्रा है और नितिन नवीन, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस घटनाक्रम का ये लोग विरोध कर रहे हैं। किस तरीके से कल पुलिस ने तमाम लोगों को पीटा, ये लोग विरोध करने पटना के डाक बंगला पर उतरे थे लेकिन पुलिस ने इनको पीटा और कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा। उसमें एक बीजेपी नेता की मौत हो गई और उसी को श्रद्धांजलि के देने के लिए ये लोग आज काला पट्टा बांध करके विधानसभा में मार्च कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद हैं और तमाम विधायकगण मौजूद हैं। हम तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं कि ये विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं। जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो आज विधानमंडल के अंदर काला पट्टी बांध करके मार्च कर रहे हैं। ये लोग आक्रोशित हैं और इन लोगों के अंदर एक उबाल है जिस तरीके से पीटा गया। क्या कहिएगा जिस तरह से कल आप लोगों पर लाठी चार्ज लोकतंत्र की हत्या किया है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार हत्यारा है और नीतीश कुमार को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की मांग है नीतीश कुमार के खिलाफ। एक आक्रोश दिख रहा है कि बीजेपी के तमाम विधायक हैं, MLC हैं, ये सभी लोग हाथों पर काला पट्टा बांधे हुए हैं, गला में भी काला गमछा डाले हुए हैं और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग है और उस घटना का विरोध हो रहा है जिस घटना में एक बीजेपी नेता की जान चली गई थी। देखिए कि कई विधायक, मंत्री, सांसद, MLC यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग आज विधानमंडल के अंदर में मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं।